क्या आप इंग्लिश में हर रोज बोले जाने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंस को सीखना चाहते हैं, या फिर कभी कभी आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं लेकिन आप उस सेंटेंस को बना नहीं पाते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि सेंटेंस छोटी और मुश्किल है लेकिन उसको आप कैसे बोल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में मैं मोर देन 60 सेंटेंसेस आपको सिखाने जा रहा हूं। इस सेंटेंसेस को सीखकर आप इंग्लिश में रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकते हैं। और ये सेंटेंसेस कुछ तो फ्रेज है जो कि अगर आपको इंग्लिश आती भी है, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने में आपको बहुत परेशानी आती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपने परेशानियों को और अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस। टर्न ऑन द गैस, गैस जलाओ। टर्न ऑफ द गैस, गैस बंद करो। टर्न ऑन द टैप, नल चालू करो। टर्न ऑफ द टैप, नल बंद करो। द वॉटर इज रनिंग ओवर, पानी भरकर बह रहा है। स्प्रेड द क्लोथ्स ऑन द रोप टू ड्राई, कपड़ों को रस्सी पर सूखने डाल दो। चेंज ओवर द साइड्स ऑफ द क्लोथ्स, कपड़ों को उल्टा सीधा कर दो। ब्रिंग डाउन द क्लोथ्स फ्रॉम द रोप्स, तार पे से कपड़े उतार लाओ या रस्सी पर से कपड़े उतार लाओ। स्वडल द ब्लैंकेट, कंबल ओढ़ लो। ही इज हिज साइड किक, वो उसका चमचा है। हीट अप द टी या फिर वार्म अप द टी, चाय गर्म कर दो। डोंट मेंशन हिज नेम इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उसका नाम मत लो। I will set you right, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। I go to see him now and again, या फिर occasionally, now and again and occasionally का माना कभी कभार। मैं उससे मिलने कभी कभार जाता हूँ। Proceed further, please, मेहरबानी करके आगे बढ़िए। The month passed very soon, महीना बहुत जल्दी गुजर गया। It's easy for me to get her agree, उसे मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। All that she said was wrong, उसने जो कुछ कहा वो गलत था। I arrived a short while ago, मैं बस थोड़ी देर ही पहले पहुंचा। Relax for a while, थोड़ी देर आराम कर लो। Your words are not worth a penny, तुम्हारी बात में जरा भी वजन नहीं। Look at her tantrums, उसके नखरे तो देखो। See how much filth you have on your body, कितना मैल है तुम्हारे जिस्म पे। I was not in good spirit, I was not enjoying, मेरा मन नहीं लग रहा था। दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोलना है आपको, because both the sentences have the same meaning. I think you are in a mood of great fun, बड़ी मस्ती सूझ रही है तुम्हें। Don't walk on the mopped floor, फर्श पर पोछा लगा है उस पर मत चलो। Where do you get lost, कहां खो जाते हो तुम। I will do this work with might and main, मैं इस काम को पूरी ताकत से करूंगा। This was his stubbornness, ये उसकी जिद थी। He is the slave of his habits, वो अपनी आदत से मजबूर है। Talk to me courteously, मुझसे तमीज से बात करो। He always overpowers others, वो हर किसी पर हावी हो जाता है। Don't interact with such people, ऐसे लोगों से मुंह मत लगाओ। It's useless to interact such people, ऐसे लोगों से मुंह लगाना बेकार है। To hell with you, I have seen so many of your kind, चल चल बड़े देखे तेरे जैसे। Don't make a mountain of whole hill, don't make a mountain of whole hill, छोटी बात का पहाड़ मत बनाओ। डोंट स्प्लिट हेयर, बाल की खाल मत निकालो। विद व्हाट फेस यू विल गो टू हिम, उसके पास तुम क्या मुंह लेकर जाओगे। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। व्हाट्स लेफ्ट अनडन नाउ, अब करने को
क्या बचा? I don't want to antagonize him. मैं उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता. This enmity with me will cost you. मेरे साथ दुश्मनी महंगी पड़ेगी. She was conspired with him. वो उसके साथ मिली हुई थी. He became pauper. वो कंगाल हो गया. Don't stretch the matter further. अब बात ज्यादा मत बढ़ाओ. Don't act so pricey. ज्यादा भाव मत खाओ. I am feeling sleepy. मुझे नींद आ रही है. It's all yours. इसे अपनी ही चीज समझें. You can't escape from this. तुम इससे नहीं बच सकते. My arm has gone to sleep. मेरे हाथ में झुनझुनी आ गई. Don't take it to heart. इसे दिल पर मत लो. I got hurt. मुझे चोट लग गई. Your mouth is smelling of onion. तुम्हारे मुंह से अनियन की बदबू आ रही है. Don't litter here. यहाँ कूड़ा मत करो. Mind your language. अपनी जबान संभाल लो. We are not on talking terms. हमारी बातचीत बंद है. Keep in touch. संपर्क में रहें या रابطہ में रहें. Do not wink. आंख मत मारो. How does it matter? इससे क्या फर्क पड़ता है? I find it difficult. ये मुझे मुश्किल मालूम पड़ता है. So guys, these were the 60 sentences which we use in our day-to-day conversation. अगर आप इन sentences को याद कर लेते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत हद तक आपकी इंग्लिश बोलने की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो विदाउट हेजिटेशन नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.